हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केरल और लक्षद्वीप के जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्री हैं उनके बारे में। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ के वन लाइनर्स, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय प्रतीक या फिर यहाँ के जो नृत्य हैं या जनजातियाँ उन सभी के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेली पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो या स्टेट पीएससी का हो या स्टेट का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके का पोर्शन आजकल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कम एक दो क्वेश्चन ही, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में तो कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन मिलेगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि इसको सबसे छोटे रूप में बनाया गया है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उन्हीं को कवर किया गया है, साथ ही और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनको भी कवर किया गया है, ताकि जब आप एग्जाम से पहले जब एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले ये वीडियो देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं केरल के बारे में। दोस्तों ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे बड़े मैप में, ये केरल की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले एटलस खोलिए, एटलस में केरल का ब्रॉड मॉप खोलिए और इसके अलावा जो प्राकृतिक या ज्योग्राफी मैप है उसको भी खोलिए। यहाँ से आपके लिए क्लियर होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा वहां पर कुछ शहरों की कुछ जगहों के नाम लूंगा, तो ये आपको ज्योग्राफी वाले मैप में देखना है। तो लोकेशन के बारे में सबसे पहले बता दें, तो यहाँ से कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है, यहाँ से तमिलनाडु से सीमा लगती है, केरल की सीमा लगती है। अब बात करते हैं फैक्ट की, तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। वहीं जिलों की बात की जाए तो 14 कुल जिले आपको केरल में मिलेंगे। इसके अलावा विधानसभा सदस्यों की संख्या 141 यानी 141 है। इसके बाद बात की जाए राज्यसभा सदस्यों की, तो इनकी संख्या 9 है, और वहीं लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 आपको केरल में देखने मिलेगी। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें कुछ और फैक्ट की, तो राज्य का जो गठन है वह 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मलयालम यहाँ की राज्य भाषा है। पशु शेरपूंछ वानर और हाथी, ये दोनों राज्य के पशु आपको देखने मिलेंगे केरल के। वहीं राज्य के पक्षी में इंडियन हॉर्नबिल, ये राज्य के पक्षी आपको मिलेगा। बात करते राज्य के वृक्ष की, तो नारियल राज्य के वृक्ष है। राज्य के फूल कौनी कौना, ये राज्य के फूल आपको केरल का मिलेगा। अब बात करते हैं सीमाओं की। मैप में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और यहाँ पर देख लें। पश्चिम में अरब सागर की इसकी सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु से और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से केरल की सीमा साझा होती है। बात करें उच्च न्यायालय की, तो एर्नाकुलम केरल का उच्च न्यायालय है। पर्यटन केंद्रों में इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इडुक्की अभ्यारण, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो एर्नाकुलम में है, उपग्रह ट्रैकिंग और रीजनिंग सेंटर जो कालालूर में है, ये सभी पर्यटन केंद्र आपको केरल में देखने मिलेंगे। बात करें प्रथम राज्यपाल की, तो श्री राम वर्मा यहाँ के प्रथम राज्यपाल हुए। प्रथम मुख्यमंत्री में ईएमएस नमूदरीपाद यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। बात करते मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लोक नृत्य की, यहाँ से आपके एसएससी में एग्जाम पूछा ही जाता है। कथकली, मोहिनीअट्टम और ओटम थुलाल, ये लोक नृत्य आपको केरल में मिलेंगे, जिसमें कथकली और मोहिनीअट्टम ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद ही कर लेने हैं। बात करें त्यौहार की, तो ओणम, विशु, पूरम और परुमला, ये प्रमुख त्यौहार आपको केरल में मिलेंगे, जिसमें ओणम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, तो दोस्तों बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल में देखने मिलेंगे, जिनमें से अनाईगुडी राष्ट्रीय उद्यान, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मटिकट्टम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल में मिलेंगे। बात करें बांध की, तो इडुक्की पेरियार बांध, ये आपको जो पेरियार नदी पर है आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा मुल्ला पेरियार बांध आपको पेरियार नदी पर मिलेगा और चिमनी बांध जो चिमनी नदी पर बनाया गया है ये भी केरल में ही स्थित है। बात करें जनजातियों की, तो यहाँ की प्रमुख जनजातियों में इरावल्लन, कामयारा, कोरागा, कुड़िया, मोपला, उराली और गनाव, ये प्रमुख जनजातियाँ आपको केरल में मिलेंगी, जिसमें से दोस्तों ये तो एक याद ही हो जाएगी कि मोपला विद्रोह आपको पता होगा,
केरल में हुआ था, तो मोपला जो जनजाति है वह आपको केरल में ही मिलेगी। बात करते हैं अब कुछ वन लाइनर फैक्ट की, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम था और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। अरब सागर की जो रानी है वह कोचीन को कहा जाता है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार, पर्खुरकयाल, ये झीलें आपको केरल में देखने मिलेंगी। छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन आपको केरल में मिलेगा। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन गुजरात में होता है, परंतु दोस्तों मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको याद रखना। सर्वाधिक केरल का जो मसालों का जो उत्पादन है वह होता तो गुजरात में है, लेकिन जो मसालों का राज्य वह केरल को कहा जाता है। साइलेंट घाटी या साइलेंट वैली या शांत वैली आपको केरल में मिलेगी। तिरुवनंतपुरम भारत का सबसे दक्षिणतम राजधानी है, ये भी याद रखना है। बात करें नारियल अनुसंधान केंद्र की, तो कासारागोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है। कालीकट में वास्को डिगामा आया था, जो अब कालीकट का नया नाम कोझिकोड हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। कोची और एर्नाकुलम को जुड़वा शहर कहा जाता है, ये भी एसएससी में एक बार मैंने एग्जाम दिया था वहां पे पूछा गया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई है दोस्तों, ये आपको केरल में ही मिलेगी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है, ये भी आपको केरल के ही आसपास मिलेगी। जो अब आप ज्योग्राफी मैप देखेंगे तो वहां पर दोस्तों अर्नाकुलम जो पनाईमुडी है, ये सभी घाटियां आपको वहां पर ज्योग्राफी के मैप में आसानी से मिल जाएंगी। बात करें कुछ और फैक्ट की, तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वह वेम्बनाड झील है और यह एक कयाल झील है। पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में लॉन्च किया गया था। पहला रक्षा औद्योगिक पार्क ओट्टापल्लम में खोला गया है। पथियापाद बोट रेस जिसका नाम बल्लमकाली है, ये केरल में आयोजित की जाती है। एथलीट पीटी उषा केरल से ही संबंधित है। देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है, यह केरल में चलाई गई। भारत का सर्वाधिक रबर और नारियल का उत्पादन आपको केरल में मिलेगा। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट एक शैली है जो केरल में प्रचलित है। अरनमुला नौका दौड़ भी केरल में होती है। बल्लमकाली और अरनमुला नौका दौड़ केरल में ही आयोजित की जाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगा। सबरीमाला मंदिर जो है वह पंपा में है। दोस्तों ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सल मंदिर रहा है, तो आपको याद रखना है सबरीमाला मंदिर पंपा केरल में ही स्थित है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप भारत की यहाँ अरब सागर में स्थित है, जो भारत से अलग है, सीमा से अलग है, लेकिन भारत का ही यह राज्य है। जो दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं उनमें से एक तो मिनिकॉय है, एक कावारत्ती है, एक अमीनी है, ऐसे करके बहुत से द्वीप हैं, करीब 36 के समथिंग द्वीप हैं। तो अब बात करते हैं लक्षद्वीप के कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट की। सबसे पहले बात करें राजधानी को, तो कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपको जो है वह लक्षद्वीप का मिलेगा। जनसंख्या घनत्व 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या है लक्षद्वीप का। लिंगानुपात 947 महिला प्रति 1000 पुरुष, ये लिंगानुपात आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। यहाँ की जो साक्षरता है 91% है। भाषाओं की बात की जाए तो मलयालम भाषा यहाँ की प्रचलित भाषा है। दोस्तों मिनिकॉय द्वीप में महाल भाषा भी बोली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मिनिकॉय जो द्वीप है उस पर महाल भाषा भी बोली जाती है। शासकीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। कुल एक जिला है जो लक्षद्वीप ही है। बात करते द्वीपों की संख्या की, तो कुल 36 द्वीप आपको यहाँ मिलेंगे। उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसका उच्च न्यायालय आता है, तो ये आपको याद रखना है। मुख्य फसलों में केला, नारियल, ब्रेड फ्रूट, जैक फ्रूट, जंगली बादाम और कोलोकेशिया, ये प्रमुख फसलें आपको यहाँ लक्षद्वीप में मिलेंगी। प्रमुख उद्योगों में मछली पकड़ना, नारियल की जटाई, जटा की कटाई, धागों का उत्पादन, ये प्रमुख उद्योग लक्षद्वीप के हैं। पर्यटन स्थलों में कावारत्ती द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और बंगाराम द्वीप, ये प्रमुख द्वीप आपको मिलेंगे पर्यटन के लिए। त्योहारों में ओणम, रमजान, ईद, मुहर्रम, ईस्टर और क्रिसमस, सभी त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। प्रथम मुख्य प्रशासक यू आर पणिकर हुए थे, ये भी आपको याद रखना। लोकसभा सदस्य की संख्या एक आपको लक्षद्वीप में देखने मिलेगी। दोस्तों लक्षद्वीप में राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। 1956 में इस द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
1973 में लक्कद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप किया गया, यानी इन तीनों को मिलाकर एक नाम किया गया, वह लक्षद्वीप है। और ये किया गया था 1973 में। लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप पिट्रा है। कवरत्ती और कलपेनी में दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ और फैक्ट की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन कहा जाता है। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की केरल और लक्षद्वीप के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।